हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों को फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों को ये लॉन्ग जैकेट कटिंग और सिलिंग स्टिचिंग दोनों ही आप लोगों को मैं दिखाऊंगी इस वीडियो में। तो ये जो मैंने जैकेट बनाई है, आप इसको लॉन्ग ग्राउन के साथ, नहीं तो टॉप जीन्स के साथ, और नहीं तो शॉर्ट कुर्ती के साथ भी पहन सकती हो। ये बहुत ही स्टाइलिश है और बहुत ही सुंदर है। आजकल इसका बहुत ही स्टाइलिश करके सभी पहनती है और सभी ही इसको चाहती है। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं अभी आपको ये लॉन्ग जैकेट बनाना सिखाती हूँ। इससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट इट। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच कपड़ा लिया है, इसको मैं फोल्ड फोल्ड करके लेती हूँ। इसको मैंने फोल्ड फोल्ड करके लिया है, ये देखिए। इसको मैंने पहले लंबा करके टू फोल्ड करके लिया है इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने इसको लंबा करके लिया है। फिर उसके बाद इसको मैं बीच में से डबल कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको फोल्ड फोल्ड करके लिया है। फिर उसके बाद इसका लेंथ नापूंगी। तो लेंथ जितना है उतना लूंगी। तो यहाँ पे मेरा लेंथ है 48 इंच, तो मैं 48 इंच ही रखूंगी। फिर उसके बाद शोल्डर में यहाँ से लूंगी, यहाँ से शोल्डर लूंगी 7.5 इंच। मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाई है। फिर उसके बाद आर्म होल लेना है। आर्म होल में यहाँ से 7 इंच लूंगी। फिर मैंने आर्मोल का निशान लगाई है। फिर उसके बाद यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट मेरा 37 इंच है, तो इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगी। 4 से डिवाइड करने से मिलता है 9 से थोड़ा ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे 9.5 इंच रखूँगी। फिर उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा, मैंने यहाँ से 7 इंच पे चेस्ट का निशान लगाई है। फिर उसके बाद 14 इंच पे बेस्ट का निशान लगाऊंगी। यहाँ से बेस्ट का निशान लगाना है, तो बेस्ट मेरा 33 इंच है, उसको भी मैं 4 से डिवाइड करूँगी। तो 8.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी और 2 इंच एक्स्ट्रा। इन निशान को मैं फिटिंग्स के निशान के साथ जोड़ूंगी और एक्स्ट्रा को एक्स्ट्रा निशान के साथ जोड़ूंगी और यहाँ पे गोल राउंड शेप दूंगी। फिर उसके बाद यहाँ तक मेरा बेस्ट का निशान आता है। यहाँ से नीचे की तरफ आपको जितना गैप चाहिए आप उसी हिसाब से नीचे की तरफ ले सकती हो। इंच टेप को तिरछा रखना है। फिर उसके बाद जहाँ तक मेरे बेस्ट का निशान है वहां से इसका निशान लगाना है।
यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। अभी मैं इसको काट के अलग कर लेती हूँ। ठीक इसी निशान से मैं काटूंगी, इस निशान से नहीं काटूंगी, इस निशान से काट के यहाँ तक उसको लेके जाऊंगी। ये देखिए मैंने इसको काट लिया है। फिर इसके बाद इसको फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अलग अलग करूंगी। ये बैक पार्ट है, इसको मैं हटा के रखती हूँ और ये फ्रंट पार्ट है। यहाँ पे मैं नेक बनाऊंगी, तो नेक के लिए मैं यहाँ से 3 इंच रखूंगी। और नेक की लंबाई रखूंगी मैं यहाँ से 13 इंच। अभी मैं इसको तिरछा करके जोड़ूंगी। इस तरीके से तो मेरा नेक इस तरीके से आएगा। और फिर इसके बाद बीच में से काट के इसको 2 पार्ट कर लेना है। तो देखिए ये मेरा फ्रंट पार्ट है, इसको मैंने बीच में से काट के अलग कर लिया है और ये मेरा नेक है। तो फ्रंट पार्ट मेरा कंप्लीट है। अभी मैं इसको और यहाँ पे मेरा बैक पार्ट है। यहाँ पे नेक में मैं थोड़ा छोटा करके एक काट लगाऊंगी। तो मेरा बैक पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट है। फिर उसके बाद स्लीव लगाना, स्लीव काटना है। यहाँ से मैं स्लीव कट करूंगी। स्लीव की लंबाई रखूंगी मैं यहाँ से 14 इंच। फिर उसके बाद इसकी गहराई रखूंगी 9.5 इंच और इसकी गुलाई रखूंगी मैं यहाँ से 6.5 इंच। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका शेप लगाना है। तो ये मैं 3 इंच पे यहाँ पे इसका शेप लगाऊंगी। तो अभी इसको काट लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 बोल्ट करके लिया है और दोनों स्लीव को एक ही साथ में काट लिया है। देखिए मेरा स्लीव काट के रेडी है। फिर उसके बाद ऐसे ही लंबा करके तिरछा पट्टी बना लेना है। और बनाने के बाद इस पट्टी को आप यहाँ से जोड़ के पूरा नेक से घुमा के फिर उसके बाद
इस साइड से भी ऐसे इसको बिठाना है और यहाँ तक लाने के बाद इसको ऐसे नीचे की तरफ लेके जाना है। फिर सिलाने के बाद इसको उल्टी साइड में ऐसे करके पलट के सिलाई लगा लेना है, तो मेरा फ्रंट पार्ट रेडी हो जाएगा। तो मैं पहले इसको सिला के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने यहाँ पे सिलाई करके पट्टी को इसके साथ जोड़ दिया है। तो दोनों साइड में मैंने यहाँ पे सिलाई करके पट्टी को जोड़ दिया है। फिर उसके बाद बैक पार्ट को लेना है और बैक पार्ट को इसके ऊपर रख के शोल्डर जॉइन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं पहले नेक जॉइन करूंगी, नेक सिलाई करूंगी, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं नेक पीछा पट्टी सिलाई कर लूंगी। तो भी मैं ऐसे करके बिठा कर फिर उसके बाद मोड़ उल्टी साइड में मोड़ूंगी। मोड़ने के बाद मैं यहाँ पे शोल्डर जॉइन करूँगी, फिर उसके बाद स्लीव सिलाऊंगी और यहाँ पे मैं सिलाई कर लूँगी नीचे तक, और इस साइड में भी मैं यहाँ पे स्लीव लगाऊंगी और यहाँ से शुरू करके नीचे तक जाऊंगी। तो सिलाने के बाद सो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने यहाँ पे नेक पट्टी बिठा के फिर उसके बाद शोल्डर भी सिलाई करके ज्वाइन कर लिया है। अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगी, इसको ऐसे करके सीधा कर लूँगी। करने के बाद यहाँ पे मैं यहाँ से शुरू करके यहाँ तक स्लिप ज्वाइन करूँगी, फिर स्लिप ज्वाइन करके इस साइड में जैसे मैंने स्लिप ज्वाइन करूँगी और दूसरी साइड में इस साइड में भी मैं स्लिप को ज्वाइन कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने स्लिप को ज्वाइन कर लिया है इस साइड से भी, और इस साइड से भी मैंने स्लिप को ज्वाइन कर लिया है। फिर दोनों साइड में मैंने जैसे मैंने पहले निशान लगाई थी ठीक उसी तरीके से मैंने दोनों साइड में सिलाई कर लिया है। अभी ये पहनने के लिए पूरा पूरी भावे कंप्लीट है, लेकिन फिर नीचे का जो साइड रह गया वो मैं अभी तक नहीं सिलाई, उसको भी मैं ऐसे करके मोड़ के यहाँ पे इस तरीके से इसकी ऊपर से मैं सिलाई कर लूंगी। तो ये मेरा लॉन्ग जैकेट बनकर कंप्लीट है। अभी मैं यहाँ पे तो देखिए सीधा करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। फिर उसके बाद मैं ऐसे ही डोरी बना लूंगी और इसको दो पार्ट कर लूंगी काट के, और इसके साथ और दूसरे को इसके साथ ज्वाइन करूंगी। फिर ज्वाइन करने के बाद दोनों टूरी को ज्वाइन करने के बाद इसी तरह की दो लटकन मैं दोनों साइड में सिलाई करके ज्वाइन कर लूंगी। तो मेरा लॉन्ग जैकेट बनके कंप्लीट है।